दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को करीब एक महीने होने वाले हैं। उनकी जमानत को लेकर देश भर में सियासी कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उनकी सेहत को लेकर बवाल मचाए हुए है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल में रहने की वजह से अरविंद केजरीवाल की सेहत दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कथित शराब नीति घोटाले में सलाखों के पीछे केजरीवाल को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत मिल सकती है। सवाल ये भी कि मेडिकल बेल के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि केजरीवाल केस में जमानत के बीच क्या अड़चने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने आरोप लगाए हैं कि वे मेडिकल बेल के लिए जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं और मीठे व्यंजन खा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पर लगातार पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए क्या कहा है, ये सुनिए। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोप बेहद संगीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इन आरोपों के बाद अब दिल्ली के एलजी ने इस प्रकरण पर एक्शन लेते हुए तिहाड़ जेल के डीजी से 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने यह भी आश्वासन दिया है कि सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सारे आरोपों का खंडन किया है। जेल प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि केजरीवाल का हर रोज मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, जो कि खुद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर करते हैं। अब ईडी और आम आदमी पार्टी के भिड़ंत के बीच यहां ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि बेल कब और किस आधार पर मिलती है और कब इसका मिलना काफी पेचीदा हो जाता है। बता दें कि भारतीय न्याय प्रणाली में जमानत दो तरह की होती है, एक अंतरिम और दूसरी परमानेंट बेल। बात अंतरिम बेल की कर लें तो अंतरिम बेल के तहत कस्टडी बेल दी जाती है। इसकी अर्जी तभी दी जा सकती है जब कोई अनहोनी हुई हो, जैसे आरोपी के परिवार में किसी करीबी की मौत या अपराधी के शादी जैसे कारण शामिल हैं। ये बेल कुछ घंटों के लिए ही होती है, वहीं पुलिस पूरे समय आरोपी के आसपास ही रहती है। अब बात कर लेते हैं परमानेंट बेल की। इसकी शुरुआत अंतरिम जमानत से ही होती है। कैदी को कुछ दिनों से लेकर महीना भर के लिए बेल दिया जाता है। जमानत की अवधि आगे बढ़ते हुए परमानेंट भी हो सकती है। ऐसा आमतौर पर मेडिकल ग्राउंड पर होता है। मसलन कैदी को ऐसी बीमारी हो जो जीवन भर रहेगी, ऐसे में प्रशासन कुछ शर्तों पर आरोपी को बाहर भेजता है। अगर इस दौरान आरोपी के मेडिकल कंडीशन में कोई सुधार न हो और उसका व्यवहार ठीक रहे तो जज उसे परमानेंट बेल भी दे देते हैं, जब तक कि ट्रायल चल रहा हो। हालांकि इस तरह के बेल के लिए कुछ तकनीकी शर्तें होती हैं, जैसे आरोपी किसी भी हाल में किसी गवाह के आसपास ना भटके या उसे कोई धमकी ना दे, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ ना करे, साथ ही राज्य या देश छोड़कर कहीं बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। यहां आपको बता दें कि NDPS और UAPA के आरोप ऐसे हैं जिनमें जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। अब बात अरविंद केजरीवाल केस की कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं। ऐसे में शुगर की बीमारी से जूझ रहे केजरीवाल के वकील अगर साबित कर सकें कि उन्हें हाई केयर की जरूरत है जो जेल में मुमकिन नहीं है, तो जमानत पर विचार हो सकता है। शुगर वैसे ही ऐसी बीमारी है जो जीवन भर चलती है, ऐसे में परमानेंट बेल के रास्ते भी खुल जाते हैं। बहरहाल केजरीवाल को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।